सुशांत सिंह के सबसे करीबी दोस्त कहे जाने वाले संदीप सिंह अब इन दिनों चर्चाओं में नहीं दिखते। उसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने एक पूरा दिन सभी मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू देकर अपनी इमेज को काफ़ी सुधार लिया था। जो उन पर पहले आरोप लगे थे, एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर कई ऐसे आरोप थे जिन पर सवालात खड़े किए गए थे कि जो सिद्धार्थ पिठानी, जिनसे सुशांत सिंह की पिछले 10 महीने से बातचीत नहीं हुई थी, वो निधन के समय पर अचानक कहाँ से आ गए, जो सुशांत सिंह के परिवार वालों की इतनी हेल्प कर रहे थे, उन पर कई आरोप लगे थे। बावजूद इसके अब एक और बड़ा ऐसा आरोप था जो हाल ही के दिनों में लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उनको खास मुद्दा नहीं बनाया गया था, यानी उनकी चर्चा हर तरफ नहीं देखने को मिली थी, जिसका खुलासा और जिसकी सफाई हमें संदीप सिंह की तरफ से नहीं देखने को मिली थी। बता दोस्तों, किस प्रकार से सुशांत केस में निधन की हुई, जब सुशांत सिंह के लिए, परिवार के लिए मदद के लिए आगे आए थे संदीप सिंह, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन में संदीप का नाम भी आया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज सुधार कर सारा कुछ ठीक कर लिया था। इस बीच एक मीडिया चैनल्स ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया था जहां पर ये बड़ा खुलासा हुआ था एम्बुलेंस ड्राइवर के मालिक के द्वारा कि जो उनको आखिरी पेमेंट थी वो बात पहले कही गई थी कि संदीप सिंह ने की थी, और संदीप सिंह एम्बुलेंस ड्राइवर के पास खड़े होकर काफ़ी देर बातचीत किए थे। उसके बाद फ़ोन पर बातचीत किए थे, फ़ोन पर दुबई से लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो ड्राइवर ने बताई थी, लेकिन एम्बुलेंस के मालिक ने साफ तौर पर उस स्टिंग ऑपरेशन में ये बात कही थी कि जो आखिरी पेमेंट उन्हें मिली थी वो सुशांत के मैनेजर सैमुअल ने की थी, ना कि संदीप ने। जहां संदीप के द्वारा और कई अन्य लोगों के द्वारा ये दावा किया गया था कि संदीप सिंह ने आखिरी पेमेंट और आखिरी बातचीत उनसे एम्बुलेंस ड्राइवर से की थी, इसी वजह सुशांत सिंह के परिवार की मदद के लिए वही आ गए थे। साथ ही जो विशाल नाम के जो दो एम्बुलेंस की थ्योरी थी उससे पर्दा उठाया गया था, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर ने तो कई खुलासा किया था सुशांत के शरीर पर पड़े निशानों को लेकर, लेकिन उसी शरीर को लेकर संदीप सिंह भी गए थे। संदीप सिंह की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ। संदीप सिंह ने भी आखिरी हालत सुशांत सिंह की देखी होगी, लेकिन उन्होंने उनकी हालत को लेकर कुछ भी बात नहीं बताई। बस उन्होंने किसी प्रकार से जितनी तेज़ी से हो सकता था उनका अंतिम संस्कार, उनका अंतिम जांच करवाया था, और पता ही नहीं चलने दिया क्या से क्या हुआ था। तो संदीप सिंह को लेकर ये बड़ा खुलासा, जिसको ज़्यादा अहम नहीं माना गया था, लेकिन मानते हैं कि किस प्रकार से जहाँ ये बात कही गई कि संदीप सिंह ने आखिरी पेमेंट नहीं की थी, वो एम्बुलेंस ड्राइवर के पास और पुलिस से कुछ बातचीत करते हुए कुछ अलग ही बात कर रहे थे, जो कि सब तक नहीं आई है सामने। कई ऐसे राज हैं सुशांत सिंह केस के जो अभी सामने आना बाकी हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।